नमस्कार आप सभी को। मैं डीओ लोहित। आज ये प्रेस ब्रीफिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पोल अनाउंसमेंट हुए उसकी आपको जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में फेज वन के चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनाउंसमेंट और प्रेस नोट की निकलने की जो तारीख है, जो कि आज हुआ है, माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च दिनांक से हुआ है। गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट जो है 27 मार्च है। स्क्रूटिनी की डेट 28 मार्च है। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर की लास्ट डेट 30 मार्च है और पोल की तारीख 19 अप्रैल है। काउंटिंग 4 जून को होगी और पूरा प्रोसेस कंप्लीट 6 जून को होगा। ये असेंबली के जो चुनाव होने हैं उसका ये शेड्यूल है। मैं आपको जनरल इलेक्शन के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे जो पोल हैं वो सेम डेट को होंगे, 19 को, और काउंटिंग भी 4 को है। जो नॉमिनेशन की तारीख है वो 27 है लास्ट, और स्क्रूटिनी की वो भी 28 है। विड्रॉल 30 मार्च का है। तो इसके बाद में जो हमें मैंडेटरी जो एक प्रेस ब्रीफिंग करनी होती है उसके अंदर कुछ जो सेक्शंस हैं आईपीसी के और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके संदर्भ में सबसे पहला हमारा आरपी एक्ट के अंदर प्रोविजन है सेक्शन 17, जो कहता है इलेक्शन एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं कैंडिडेट और उनसे जुड़े हुए लोगों द्वारा। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस इलेक्शनरिंग से रिलेटेड जो होंगे उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। इसके रिगार्डिंग हम पॉलिटिकल पार्टीज से मीटिंग कर रहे हैं। आगे भी हम आपकी ये प्रेस ब्रीफिंग जो इंट्रोडक्टरी है उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो सेक्शन 77 आरपी एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंदर सभी लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह ये सब की अकाउंटिंग होगी और उस अकाउंटिंग के प्रोविजन इसमें बताए गए। हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम बैठेगी। सेक्शन 77 के अलावा आईपीसी के अंदर 171H इलीगल पेमेंट्स है जो इलेक्शंस के अंदर देखे जाते हैं। इसमें अगर कोई भी पर्सन अगर कोई एक्सपेंस करता है, अगर वो पब्लिक मीटिंग होल्ड करता है या कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी एक्सपेंस करता है, उसके अंदर पिनल प्रोविजंस है। उसकी जानकारी आपको 171H आईपीसी के अंदर मिलेगी। कैंडिडेट की अगर जानकारी में है तो उसका खर्चा कैंडिडेट के ही अकाउंट में जोड़ा जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी खर्चा बिना कैंडिडेट की जानकारी के लिए किया जाता है तो वो कंसर्न पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा। अगला प्रोविजन आरपी एक्ट के 127A के अंदर है, जो रेस्ट्रिक्शन करता है पैम्पलेट्स की प्रिंटिंग, पोस्टर्स, फ्लैक्स, बैनर्स एक्सेट्रा। ये 127A है। आप सभी को ये आपके थ्रू मैं बताना चाहूँगा, सभी उन प्रिंटिंग प्रेस को या किसी भी कोई भी जो प्रिंट करता है मटेरियल, वो सब इसके एम्बिट के अंदर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अंदर कोई भी इलेक्शन पैम्पलेट या पोस्टर बिना जानकारी के इस ऑफिस के नहीं किया जा सकता है। अगर कोई प्रिंट ऐसा कर रहा है विदाउट इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट प्रोविजंस के अंदर कार्रवाई की जाएगी। हमारे ऑफिस के अंदर परमिशन सेल होगा, एमसीएमसी की टीम भी होगी। मीडिया के थ्रू अगर कुछ भी अगर इलेक्शनरिंग की जाती है उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो अभी से लेकर एमसीसी के बाद में जितने भी आपके एक्टिविटीज होगी इलेक्शनिंग से रिलेटेड, वो विदाउट परमिशन नहीं होगी। फ्लैक्स, बैनर्स, पोस्टर्स, इनके मैनुअल के अंदर डिटेल्स के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, ये सभी हम आपको आज जारी कर देंगे। एमसीसी के प्रावधान जो
इमीडिएट इफेक्ट से एनफोर्स किए जाएंगे आफ्टर द अनाउंसमेंट, जो कि ऑलरेडी किया जा चुका है, उसकी कॉपी भी हम आपको अभी दे देंगे। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आज पोल अनाउंस किए गए, इन पोल को फ्री फेयर मैनर के अंदर और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर कंडक्ट करने के लिए मैं आपके थ्रू सभी सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें और इस पोल के त्यौहार में, जो हमारे चुनाव का त्यौहार है, इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारे ऑफिस के अंदर 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, 1950 इसका नंबर है। सीविजिल ऐप भी है, अगर आप कोई वायलेशंस देखते हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स। हमारे यहाँ पे एक और हॉटलाइन नंबर आपको दे दिया जाएगा, वो भी फंक्शनल रहेगी। हम यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे SSP साहब और हमारी जॉइंट टीम्स जो है FSTs इमीडिएट इफेक्ट से फील्ड में होगी। SSTs हमने हमारे कुछ नाकाओं पे लगाई हैं, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से फंक्शनल करेंगी। हमारे सभी सेल आज से तुरंत प्रभाव में यहाँ पर कार्य करने लगेंगे, उन सब की जानकारी हम नियमित रूप से आप सभी को देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जैसे ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे आपको हम लूप में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं SSP लोहित डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम DO साहब ने कहा है, तो आज अनाउंस हो गए हैं हमारा ECI का द्वारा इलेक्शन के जितने भी डेट्स हैं, तो उनको आपको बता दिए गए हैं। तो हमारा जो सर्विलेंस टीम है और फ्लाइंग स्क्वाड्स है, वो इमीडिएटली एक्शन में आ जाएंगे। तो आपके जितने भी लीकर्स केस, सर्टेन अमाउंट ऑफ 50,000 या इवन गिफ्ट्स अमाउंटिंग टू 10,000, तो ये सब हम सीज करेंगे। और दाउस जितने भी आपके वेपन्स में आते हैं, वो सब भी हम सीज करेंगे। और इस पर और मैं एक बात कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम का रिकॉर्ड भी देखे हैं तो आपका जो आर्म लाइसेंस 783 है ये डिस्ट्रिक्ट में, हाँ उसमें कुछ बाहर के लोग भी होंगे जो यहाँ से लाइसेंस निकले हैं, लेकिन यहाँ के जो रेसिडेंट्स है तो वो बनता है वो अपना हथियार काइंडली डिपोजिट करे पुलिस स्टेशन तेजू में, पुलिस स्टेशन चुनपुरा में, और वाखरो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वाखरो पुलिस स्टेशन है, तो इस पर आप काइंडली डिपोजिट कीजिए। और बाकी जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज से यही आशा रहेंगे कि सब आप हमें पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में सहयोग करें। थैंक यू।